ठीक है, आज हम देखेंगे कि कैनन IR3300 मशीन में अगर हमको स्कैनर का वायर टूट जाता है या कुछ भी ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए और किस तरह उसे रिपेयर करना चाहिए, वो चीज़ें आपको हम दिखाएंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एज इट इज सेम स्टेप आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके सारे कवर खोल लेने हैं। इसके बाद ये कांच हटा देना है। ये कवर ये सभी खोलने हैं इनके। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये सभी कवर खोलने के बाद इसका इनर प्लेट खोला जाता है। ओके, इसको भी हमें खोलना पड़ेगा, ये भी खोल लेते हैं। एक्चुअल में इन सब को निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना इनको निकाले हमें स्कैनर के वायर पे अगर काम करना है तो नहीं कर सकते। ये स्क्रू और ये स्क्रू निकाल देते हैं। अब अराउंड इसके जितने भी स्क्रूज हैं, इस पूरे प्लेट के इस सारे स्क्रूज अपने को निकालने पड़ेंगे। ये ग्लास सेपरेटली हम रख लेते हैं। अब इस साइड से जितने भी स्क्रू आपको दिख रहे हैं टॉप में, वो सारे स्क्रू खोलने हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरफ का ये स्क्रू, इस साइड में ये कवर खोलना जरूरी है। ये कवर खोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसका ये कनेक्शन निकाल दीजिए, ये भी आउट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ ये जो स्क्रूज लगे हैं उनको निकाल देते हैं।
ये प्रॉपर फ्री होना चाहिए ओके, क्योंकि हमको इसके इनसाइड के भी स्क्रूज खोलने हैं, बट शायद से इसमें से ऑलरेडी वो स्क्रू निकला हुआ है तो ये इजिली बाहर हो सकता है, हमको ये और ये स्क्रू खोलना है। अब ये आगे के जो स्क्रूज लगे हैं इनको निकालना है, ये सारे स्क्रूज जब निकल जाते हैं तो ऊपर का प्लेट पूरी तरह बाहर हो जाता है ओके। सबसे पहले क्या है कि इसके स्कैनर पे अगर काम करना है, स्कैनर पे काम करने के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये कवर आपको निकालना पड़ेगा, बट ये स्पेसिफाइड है कि कौन कौन से स्क्रू हम निकाल चुके हैं, क्योंकि अनलिमिटेड स्क्रूज रहते हैं इसलिए कभी कभी समझ में भी नहीं आता कितना स्क्रू निकाले कितना नहीं, तो प्रॉपरली चेक करके सारे सेटअप करने का। इसके राउंड में जितने भी स्क्रू हैं इस प्लेट से रिलेटेड वो सारे स्क्रूज निकालने के बाद ही ये प्लेट आपका फ्री हो जाएगा। अभी ये एक स्क्रू बाकी है, इसको निकाल देते हैं। कहाँ कहाँ का स्क्रू मैंने निकाला है, यहां का निकाला है, उसके बाद यहां एक का, उसके बाद अराउंडिंग जितने भी स्क्रूज इसके साइड में लगे हुए थे वो सारे मैंने निकाल दिए। अब ये बाहर, ये पूरा पत्रा बाहर हो गया। अभी एग्जैक्टली आपको जो दिखाना है, मुझे इसके स्कैनर वायर्स दिखाने हैं आपको ओके। कैनॉन 3500 मशीनों में कभी कभी एरर कोड 202 इस सेंसर के कारण भी आता है, ये जो सेंसर आप देख रहे हो इस सेंसर के कारण भी आता है। इसका होम पोजीशन सेंसर जो रहता है अगर वो टूट जाता है या ये स्कैन करके री पोजीशन होम पोजीशन पे आते समय यहाँ नहीं रुकता तो भी ये एरर कोड शो करता है 202, और इसका पावर सप्लाई भी उड़ जाता है तो भी 202 ही शो करता है ओके। तो हम इन वायरों के ऊपर काम करने वाले हैं, इसका वायर सही है बट एग्जैक्टली मुझे इसे वापस से रिसेट करना है, ये स्प्रिंग और यहाँ का ये स्प्रिंग, ये दोनों ही चीजें एग्जैक्टली आपको मैं आपको प्रॉपरली शो कर देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, पहला तो ये स्प्रिंग इस वायर से कनेक्टेड रहता है, सेकेंड थिंग ये वायर पूरा, ये अगर इसको चेंज करना है या इसे ख़राब करना है दैट्स बहुत ही कॉमन है, ये क्लिप निकाल दिया लूज, ये क्लिप निकाल दिया लूज, अभी ये कैसे भी घूमेगा ओके। ये दोनों हो गए अलग, अब इसको सेट करना है, इधर दो वायरिंग, इधर 8-8 का सेट 9-9 का सेट रहता है दोनों तरफ, इसे कैसे सेट करते हैं इसे ये हम अभी देखेंगे इसमें ओके। सबसे पहले तो मेन पोजीशन है कि इसको सेट करने का काम अपने को करना है, तो चलो वो सेट कर लेते हैं। अब इसके बाद जो काम है अपना, इसको सेट करना ही मेन काम है ओके। अगर हम देखते हैं एग्जैक्टली इसको हमें सेट करना है ठीक है, ये स्प्रिंग से दोनों कनेक्टेड रहते हैं और यहां से इनको अटैच करना रहता है,
बट अगर आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, ये सारे कनेक्शन थोड़ा और करीब कर देता हूँ समझने। ओके, अगर ये इसके बहुत सारे कनेक्शन केबल रहते हैं, अगर वो प्रॉपरली सेट नहीं होते तो भी ये इशू घूम घाम के आता ही है। अभी ये आपका स्कैनर और ये आपका, इन दोनों को सेट करना, सबसे बड़ी बात है इनका डिस्टेंस सेट करना, उसके बाद इनकी राउंडिंग, बस इतना ही इसमें करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमको ये देखना है भाई कि हमको इसका डिस्टेंस कितना सेट करना है, क्योंकि विदाउट डिस्टेंस ये सेट नहीं होता। ओके, तो बहुत ही सही तरीका यही है कि सबसे पहले इस स्प्रिंग का जो सेटअप है, इस स्प्रिंग का सेटअप, इसको हम इस कोने में लगा दें। यहाँ कोने में लगाने के बाद क्या होगा, इस स्प्रिंग का जो कनेक्शन है प्रॉपरली हम सेट कर सकते हैं। जो पहला सेटअप रहेगा वो यहाँ से जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर वाला जो सेटअप रहता है वो नीचे से। इसके दो शुरुआती तौर है, एक तो ये है और दूसरा ये। अब आपको सेट कैसे करना, सबसे पहले तो आपको एक तरीके से ही चलना होगा। मान लीजिए हमें ये वाला ही करना है तो हम यहीं से चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको लगा देते हैं। ओके, इस यहाँ एक क्लिप है, इस क्लिप में इसको फंसा देते हैं। ये फंसाया, उसके बाद ये इधर से निकलता है, इसको इस वायर से लिया। यहाँ एक बड़ा स्क्रू है, उधर से हमने इसको लिया है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। ये वायर अब इसको लेने के बाद जब ये यहाँ का सेटअप हो जाता है तो कॉमन एक इसमें ये सिस्टम है कि भाई ये थोड़ा समझने वाली बात है कि हमें सेट कैसे करना है, ठीक है। तो ये सेटिंग जो रहता है ये आपको आपके व्हील के साथ ही करना है। एक बार ये सेटिंग कर देंगे तो उसके बाद ये स्टेबल रहेगा, ये इसका डिस्टेंस फिक्स करता है कि आखिर किस बेस तक जाना है इसको। एक बार ये डिस्टेंस आगे पीछे भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इसका खिंचाव बना रहेगा तो इसमें ये खिंचाव चलता है। मैंने क्या किया, पहले क्लिप, एक वायर क्लिप यहाँ फंसाया और इसको इसके अंदर से लेकर इस पर राउंड अप देके इसके नीचे से, ठीक है, ये नीचे वाला पोजीशन है, मैंने इसको एक वायर चढ़ा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके अपर साइड का जो वायर है ये, इसको 9 राउंड देना है, ठीक है। ये राउंड जो है सेकेंड वायर इसका आ रहा है, इसको हमें राउंड अप देना है। अब ये राउंड अप समझ में, कभी भी ऐसा टूट जाए, ये गियर टूट जाता है तो भी ऐसे इश्यूज आते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली जैसे राउंड अप है ऊपर पूरा राउंड किया हुआ वैसे ही रखना चाहिए, सिर्फ हमको एडजस्टमेंट करना है उसमें। टोटली 8 राउंड इस पर मार सकते हो आप, टोटल टू टोटल 8 राउंड, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसको हम वापस से ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो इस तरफ से आया हुआ वायर वो हमारा पहला थ्रू होना चाहिए। थोड़ी सी भी गलती कैसा है, इसमें बहुत गड़बड़ कर देता है और हम समझ भी नहीं पाते और गड़बड़ हो जाती है। तो सबसे पहले हमें तो ये देखना है, इसमें एक रिंग रहता है, उस रिंग के हिसाब से ही राउंड देना है, ठीक है। इस रिंग के हिसाब से जब राउंडिंग देना शुरू करेंगे हम तो एकदम प्रॉपर रहेगा। अब पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं हम, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको फंसा के रखा है, तो हम इसको यहां से छुड़ा देते हैं, ठीक है। इस
6 राउंड को इधर लिया, उसके बाद इसके सारे वायर को राउंड लेना है, इसको घुमा घुमा के एक राउंड ऐसे सेट करना है, या आप पूरा वायर भी चाहे तो आप इसमें से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका दो जोड़ी है, एक जोड़ी तो ये जो इसको सेपरेशन देने का काम करता है, ओके, और सेकंड जोड़ी ये जो आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये आपको राउंड अप मारने के काम में आता है। अब हम सीधे पहला इसका परत ले लेते हैं और इस पर काम करना शुरू कर देते हैं, यहाँ से पकड़ा, ओके। अब इसका अगला छोर कौन सा है उस पर ध्यान देने का, इसमें बहुत घुमावदार रहता है, थोड़ा भी आपने गलती कर दिया वो खराब हो जाएगा, इसलिए आपको छोर को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। एक राउंड इजली लेने का, ज़्यादा टाइट लोगे तो वो घूम नहीं पाएगा, ठीक है, इसलिए प्रॉपरली पहले लूज में ही इसके, वैसे तो इसमें दो बंदों की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अकेले करने जाओगे तो इसमें वायर सेटअप में परेशानी हो जाती है, बट इस समय मेरे पास कोई दूसरा एग्जीक्यूटिव नहीं है और मुझे किसी को शो करके दिखाना है, ओके। ये राउंड अप राउंड इसको लेते जाने का, एक दूसरे के पीछे बनकर चले जाएंगे, इनको अगर इस तरीके से भी घुमा घुमा के लेते हो आप तो भी ये प्रॉपर सेट हो जाएंगे, ओके। अब उसके बाद इसका ये वायर, ये वाला वायर जो है, ओके, इसको हम स्टेबल यहाँ सेट कर लेते हैं, ये हिलना नहीं चाहिए, उसके बाद हम राउंड देना शुरू कर सकते हैं, और इसका पोजीशन फिक्स होना चाहिए, इसका भी पोजीशन, ओके। अब ये वायरिंग जो है हम करना शुरू कर देंगे, इसको यहाँ पकड़ना है, इसका ये रोल आउट, ये तार जो है